मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा। तो वेरिएबल क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एक डेली लाइफ का एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल होते क्या हैं। जैसे एक आप समझ लीजिए, आप सब्जी खा रहे हो, यानी रोटी सब्जी आप कुछ खाना खा रहे हो, तो ये एक सब्जी है, ये एक सब्जी है और ये पनीर के टुकड़े हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आप को इसे रखने के लिए जगह चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इसको कटोरी में डाल लोगे। ये कटोरी अच्छी नहीं बनी, मैं यहाँ बनाता हूँ। आप इस सब्जी को इस कटोरी में डाल लोगे तो ये सब्जी आ गई इसके अंदर, ठीक है। और आपको रोटी भी चाहिए, तो आपको देखो सब्जी ले ली आपने, आपको रोटी भी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या लोगे, एक प्लेट लोगे। प्लेट लेके आप जितनी भी सब्जी है आप यहाँ पर जमाओगे, ठीक है, फिर रोटी भी लोगे। ये तो आप समझ गए। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल कुछ वैल्यू है, जैसे सब वेरिएबल क्या है, सब्जी है, वेरिएबल सब्जी नहीं है। आप ऐसे समझिए जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, अब वेरिएबल क्या है, कटोरी है, कटोरी की वैल्यू क्या है, ये शाही पनीर, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, जैसे मैंने लिख दिया x इक्वल टू 25, तो यहाँ पर सब्जी क्या हुई, सब्जी हुई 25 और वेरिएबल हो गया, यानी कटोरी हो गई x। तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे हमें कुछ वैल्यू पर काम करना है, जैसे हमें 25 एक वैल्यू है, इस पर काम करना है, तो इसे रखने के लिए जगह चाहिए। जगह कहाँ चाहिए, रैम के अंदर, ये रैम है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सब्जी को प्लेट में डाल देंगे तो वो इधर उधर फैल जाएगी, यानी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे कटोरी में डाल के रखते हैं। यानी हमें जैसे 25 को हमें यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम एक डिब्बा लेंगे, यानी एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा एक्स और इसकी वैल्यू होगी 25, फिर इसको हम रैम में यूज़ करेंगे। आ गया समझ में, मेरे हिसाब से जो मैंने एग्जांपल दिया है वो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया कि हम वेरिएबल को कैसे क्यों यूज़ करते हैं, मतलब क्यों क्यों क्यों, यही एक ह्यूमन का पूरा जीवन निकल जाता है सिर्फ क्यों के उसमें, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस अगर एक बड़े आदमी ने कहा है कि तुम बिना पढ़े लिखे साइंटिस्ट बन सकते हो, पूछो कैसे, आप हर चीज में क्यों कर दो, भाई ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था इसका, क्योंकि अब फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब तक आप सवाल जवाब नहीं करोगे ना, तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करें, कुछ सवाल जवाब पूछें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया वेरिएबल का क्या फंडा है। अब कई तरह के वेरिएबल हो सकते हैं, यानी सब्जी भी तो कई तरह की हो सकती है, सब्जी भी तो कई तरह की हो सकती है। तो आप वेरिएबल क्या होते हैं, यानी जो उनकी वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई इंटीजर हो सकती है, यानी 25, 26, 1 लाख, जो कुछ भी है, ठीक है। या फिर कुछ डेसिमल में हो सकती है, जैसे 22.5 और 5.98, 3.14, ठीक है। या फिर कोई एक करेक्टर हो सकती है, जैसे आर टी यू, कुछ भी हो सकती है, या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, जैसे पूरा नाम टी यू एस एच ए आर,
ग्रामर कुछ भी, एक स्ट्रिंग हो सकती है, मतलब जो कुछ भी वैल्यू है किसी भी तरह की हो सकती है, यूजर का मूड है कुछ भी दे सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स हो सकती है, ट्रू फॉल्स। या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये ट्रू फॉल्स का चक्कर आपको समझ में आ जाएगा बाद में, इसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। सॉरी। हाँ तो इंटीजर होती है जो कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी रियल वैल्यू होती है जो डेसिमल में होती है। स्ट्रिंग के केस में कह रहा था यानी सिंगल करेक्टर के लिए, या कुछ लाइंस हमको कुछ प्रिंट कराना है, कुछ भी कुछ कराना है, वो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। बुलियन के केस में होता है सॉरी बूल, इसका डेटा टाइप हो गया बूल, जिसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। बाइट के अंदर किसी भी चीज़ का हमें बाइट कोड लेना है तो वो है, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा भूल जाइए, कोई इतना इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, जहाँ यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू क्या है, ये भाई अब आप सोच रहे हो भाई एक इंटीजर वैल्यू है तो ये तीन टाइप क्यों हुई, भाई इनका डिफरेंस भी तो है, इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। जैसे आप पे कुछ भी वैल्यू है, मैं इसको काट देता हूँ, कुछ भी वैल्यू है जैसे 1, 1, 2, 3, अब आप इसको एक छोटी वैल्यू है, ठीक है, अब आप इसको एक बड़े डिब्बे में डाल दोगे जो इतनी सी जगह ले रहा है, फिर ये जो वो है ना मेमोरी वेस्ट होगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट डिब्बा लेंगे, SHORT, जिसके अंदर ये एकदम फिट हो जाएगा पूरा, 1, 2, 3, ठीक है। अब इस बात से आप क्या समझे, हाँ आप समझदार हो, समझ गए, मुझे पता है आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 5 डिजिट तक के लिए हम शॉर्ट यूज कर सकते हैं, 9 डिजिट की कोई वैल्यू है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई वैल्यू है तो हम इंट यूज करेंगे, और लॉन्ग यानी ज़्यादा ही लंबी वैल्यू है, लाखों करोड़ों अरबों में है तो लॉन्ग यूज करेंगे। फ्लोट डेसिमल वैल्यू के केस में अगर पॉइंट के बाद 5 वैल्यू है तो हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा वैल्यू है तो हम डबल यूज करेंगे, अधिकतर डबल ही यूज करते हैं क्योंकि पॉइंट का कुछ पता नहीं होता कितना आ जाए। स्ट्रिंग के केस में करेक्टर होता है, वो कैर रिप्रेजेंट करता है करेक्टर को, जो सिंगल करेक्टर के लिए स्ट्रिंग होता है, लाइन लंबी लाइन के लिए, जिस कितने भी लाइन ऑफ आप उसमें डाल सकते हैं। बूल होता है ट्रू फॉल्स, बाइट होता है बाइट के लिए। तो ये था हमारा क्या वेरिएबल। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे क्या देखें, मैं वो एक राज रहेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं देखता हूँ आगे क्या डालना है। थैंक यू।